हेलो गाइस, देखिए आज हम कोलोइडल स्टेट के साथ डील करने जा रहे हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन टू सॉल्यूशन, थोड़ा सा उनका ओवरव्यू होगा आज हमारा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, एक साइंटिस्ट होते थे ग्राम, कौन होते थे ग्राम, वो क्या कर रहे थे, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सब्सटेंस लाइक स्टार्च हो गया आपका, ग्लू हो गया आपका, ये जो सब्सटेंस है ये क्या नहीं कर रहे थे, डज नॉट पास थ्रू पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर से आपका एक जस्ट एक पेपर होता है, मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, पेपर तो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, उससे पास नहीं कर रहे थे। वाइल कुछ पार्टिकल्स आपके थे, कुछ आपके सब्सटेंस थे लाइक आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, सुगर, ये जो पार्टिकल्स थे क्या हो रहे थे, पास थ्रू पार्चमेंट पेपर। क्या है, पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसने क्या कहा, जो पार्चमेंट पेपर से पास हो रहे थे उसने उन सब्सटेंस को नाम दिया क्रिस्टलॉइड, और जो पास नहीं हो रहे थे उन सब्सटेंस को नाम दिया उसने कोलोइड्स। बट ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ये आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्यों, बिकॉज अलग अलग सॉल्वेंट में जो आपके पार्टिकल एक सॉल्वेंट के अंदर क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहे थे वो दूसरे सॉल्वेंट के अंदर आपके कोलोइड की तरह बिहेव कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपका जो NaCl है, NaCl की हम बात करते हैं, जो आपका NaCl है वो वाटर के अंदर कैसे बिहेव करता है, एज ए क्रिस्टलॉइड, बिहेव एज ए क्रिस्टलॉइड इन वॉटर, बट बिहेव एज कोलोइड इन, कोलोइड की तरह बिहेव करेगा किसमें, इन एल्कोहल्स, या फिर हम जनरली बोले बेन, ये किसके तरह बिहेव करेगा कोलोइड्स, इन आपका बेंजीन, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, एल्कोहल्स तो खैर इतना नॉन पोलर नहीं है, उसमें तो क्रिस्टलॉइड की तरह ही बिहेव करेगा, तो बेंजीन के अंदर कैसे बिहेव करेगा आपका कोलोइड। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन था ये तो आपका फेल हो गया। लेटर ऑन एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो ये फाइंड आउट किया गया, ये जो पार्चमेंट पेपर से पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशंस, जो भी जिन आपके पार्टिकल्स हैं जिससे सॉल्यूशन बना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्रिस्टलॉइड होगा या कोलोइड होगा। तो बेसिकली कोलोइड क्या है, एक आपकी कोलोइड कोई सब्सटेंस नहीं होता है, कोलोइड एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आपके पार्टिकल एग्रीगेट रहे या फिर सिंगल पार्टिकल भी हो सकता है, अगर उस एक वो स्टेट है जिसके अंदर जो पार्टिकल साइज रहेगा वो लार्ज रहेगा, आप जनरली पार्चमेंट पेपर से उसको फिल्टर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यही चीज लिख रहे हैं, कोलोइड्स आर नॉट सब्सटेंस बट इट इज ए स्टेट, इट इज ए स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विच डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगी, मोलिकुलर साइज, जो आपके मोलिकुलर साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपको याद रखना है, कोलोइड्स जो है एक स्टेट है, कोई सब्सटेंस नहीं होते हैं, कोई भी एक सब्सटेंस है वो आपका क्रिस्टलॉइड भी हो सकता है, कोलोइड भी हो सकता है, अलग अलग सॉल्वेंट में, वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ उसके पार्टिकल्स के साइज पे। तो अभी यहाँ पे आपकी क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस
ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। हम क्लासिफाई करते हैं थ्री क्लास में ट्रू सॉल्यूशंस, सेकंड कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड थर्ड आपका हम बोलते हैं सस्पेंशन। थर्ड क्या होते हैं आपके सस्पेंशन। तो देखिए भाई, अब एक एक को हम डिटेल में डील करते हैं। तो देखिए फर्स्ट की बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की। फर्स्ट की बात करते हैं किसकी, ट्रू सॉल्यूशंस की। देखिए भी फर्स्ट आपका ट्रू सॉल्यूशंस किनको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशंस। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर बोलिए या फिर सॉल्यूशन बोलिए एक ही बात है, मिक्सचर विच कंटेन स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल। जो क्या रखें, स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स थ्रू आउट ए सोलवेंट। सो सबसे पहले यहाँ पे पार्टिकल साइज आपको पता होना चाहिए इन ट्रू सोल्यूशंस। पार्टिकल साइज मस्ट बी लेस देन 1 नैनोमीटर। किससे लेस देन होना चाहिए, 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर आपका किसके इक्वल रहता है, 10^-9 मीटर के आपका इक्वल होता है। अब देखो एग्जांपल की बात करें, NaCl एक्वस सॉल्यूशन जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, आपका एक ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज बोलिए या फिर मेन पॉइंट्स बोलिए, करेक्टरिस्टिक्स बोलिए ट्रू सॉल्यूशन। सबसे पहला तो आपका यही कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेस देन होना चाहिए। दूसरा कैसा रहता है, होमोजीनियस रहता है। कैसा रहेगा आपका, होमोजीनियस रहेगा। फर्स्ट बात करते हैं सेपरेशन की। जो सेपरेशन की बात आएगी तो आप इसको जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ट्रू सॉल्यूशंस को सेपरेट नहीं कर सकते। ट्रू सॉल्यूशंस आर नॉट सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आप नॉर्मल क्या नहीं कर पाओगे, उसको अलग अलग नहीं कर पाओगे, फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसके जो पोर्स का साइज है वो आपका इक्वल टू या ग्रेटर देन रहता है किससे, 1 नैनोमीटर से। अगर 1 नैनोमीटर के इक्वल या ग्रेटर देन है तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, उन पोर्स के थ्रू आपके नीचे आ जाएंगे, अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के केस में भी यही होगा, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी नहीं होगा एंड ऑल्सो बाई अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है वो हम अभी कोलोइड्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज कर रहे हो तो उससे भी आपका सेपरेशन नहीं होगा। सेकेंड हम बात करते हैं इसकी विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी की बात करें तो आपके जो ट्रू सॉल्यूशंस रहते हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट रहते हैं, पार्टिकल्स हैं वो इनविजिबल रहते हैं। कैसे रहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। इन नेचर एंड देयर पार्टिकल जनरली ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ऐसा नहीं है ऑलवेज रहेंगे। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू होगा, वो तो आपके अलग अलग है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम जनरली वर्ड यूज कर रहे हैं, जनरली ट्रांसपेरेंट रहते हैं एंड देयर पार्टिकल्स आर इनविजिबल, उनके पार्टिकल्स इनविजिबल रहते हैं, आप इजीली नहीं देख पाते नेक डाइव से। ठीक है, अभी बात करते हैं, एक वर्ड आएगा आपका टिंडल इफेक्ट, तो हम बोलेंगे दिस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। डिफ्यूजन की बात करते हैं, एक वर्ड आएगा डिफ्यूजन, क्या होगा डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन आपको पता है नेट मोमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। सो ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर डिफ्यूजन आपने पहले भी पढ़ा है, ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई। फोर्थ बात आती है स्टेबिलिटी, या फिर कुछ बुक्स में ये बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी इस चीज को कुछ बुक्स लिखती हैं। ठीक है, तो वो आपका स्टेबिलिटी बोलिए या फिर हम बोलिए इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो आपके ट्रू सॉल्यूशंस जो रहते हैं वो हाईली स्टेबल रहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस आर हाईली स्टेबल एंड डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। दैट मीन्स अगर एक बार आपने ट्रू सॉल्यूशन बना लिया, उसको रख दिया आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके जो आपके मिक्सचर की कंपोनेंट जो हैं जिनसे मिलकर बना है वो अपने आप सेपरेट हो जाएं। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉल्यूशन बनाया ट्रू सॉल्यूशन, इसके अंदर आपने NaCl डाल दिया और आपका बन गया ट्रू सॉल्यूशन, इसको आप 10 दिन रखिए 15 दिन रखिए, ऐसा नहीं होगा, NaCl अपने आप सेपरेट आउट हो जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि ये आपका क्या है, हाईली स्टेबल रहते हैं। ठीक है, अभी सेकंड की बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस की। तो पार्टिकल साइज क्या रहेगा, पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल का साइज कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियरली होनी चाहिए, ये जो आपका क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस है, टोटली साइज ऑफ पार्टिकल। अगर लेस देन 1 नैनोमीटर है तो आप बोलोगे ट्रू सॉल्यूशन, इफ पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर देन इट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। दूसरा, इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, ये होमोजीनियस नहीं होते हैं, कैसे रहते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर आपके रहते हैं। ठीक है, अब कोई वो पूछे कि सर हेट्रोजीनियस रहते हैं तो इनके कुछ एग्जांपल्स, बिल्कुल इनके बहुत सारे आपके पास एग्जांपल हैं। एग्जांपल की बात करें, हम मिल्क हमें बहुत पढ़ने हैं, मिल्क है वो आपका हेट्रोजीनियस है, आपका स्मोक है वो आपका हेट्रोजीनियस है। ठीक है, आपके अलोइज होते हैं बहुत सारे, मिस्ट फॉग पढ़ोगे आप आगे, मिस्ट फॉग, ये सारे क्या आपके कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के साथ हम डील करते हैं, सबसे पहले ये दो तो पॉइंट हो ही गए, ये हेट्रोजीनियस है, ये डिफरेंस भी काम आएंगे आपके वहां पे, अगर वो कोई पूछता है ट्रू सॉल्यूशंस कोलोइडल सॉल्यूशंस सस्पेंशन में डिफरेंस, तो पार्टिकल साइज वो होमोजीनियस है या आपका हेट्रोजीनियस है। बाकी हम अभी और इफेक्ट्स को लेके चलते हैं, तो सबसे पहले सेपरेशन की बात करते हैं, सेपरेशन या फिल्ट्रेशन भी बोलो, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो कोलोइडल सॉल्यूशंस आपके अलग अलग सेपरेट नहीं होते हैं, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से आपके कंपोनेंट्स जो है कोलोइडल सॉल्यूशंस के अलग अलग हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेपरेशन of colloidal solutions is not possible by ordinary filter paper but can easily
बी डन बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अभी अल्ट्रा फिल्टर पेपर आपका क्या रहता है, ये बेसिकली अल्ट्रा फिल्टर पेपर आपका क्या होता है इसके साथ बात करते हैं। हमने बात की थी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज 1 नैनोमीटर की क्वालिटी उससे ग्रेटर देन रहता है, तो हम क्या करते हैं उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को डिप करते हैं 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज के अंदर हम मिक्स करते हैं। उससे क्या होगा भी, उसके साथ हम इथेनॉल और ईथर का मिक्सचर भी लेते हैं, इन्हें मिक्सचर ऑफ ये भी लिख देते हैं, इन्हें मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड ईथर। इससे क्या होगा, सपोज करो ये आपको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है और ये इसके अंदर पोर्स हैं, तो ये नाइट्रोसेल्यूलोज में डिप करके जब ड्राई करोगे तो कुछ पार्टिकल नाइट्रोसेल्यूलोज के यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। इनके एडजॉर्प्शन से होगा क्या, यहाँ पे इनके अगर ये आके यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा जो पोर्स का साइज है वो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, और पोर्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो अभी जो आपका फिल्ट्रेशन है वो आपका क्या हो जाएगा पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज आपके जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर है और उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम हो गया तो अब आपका सेपरेशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात सेपरेशन होगी, ऑर्डिनरी से नहीं कर सकते, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से आप सेपरेट कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो देखिए ये जो अब आप देखोगे तो ये आपके जनरली ट्रांसलूसेंट रहते हैं, कैसे रहते हैं ट्रांसलूसेंट कोलोइडल सॉल्यूशंस आर ट्रांसलूसेंट इन नेचर, ट्रांसलूसेंट रहते हैं। दूसरा, अगर आप इनके पार्टिकल्स को देखना चाहो तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आपको देखने पड़ेंगे, नेक डाइट से नहीं देख पाओगे, किससे देखने पड़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस आर सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, किससे देखोगे भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप देख पाओगे। थर्ड बात करते हैं आपके इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या फिर आप क्या बोल सकते हो स्टेबिलिटी। तो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं बट ट्रू सॉल्यूशंस के जितने स्टेबल नहीं रहते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल बट नॉट ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन, ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन। इनके पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जाएंगे ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, कैसे हो जाएंगे, अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो इनके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हमें पढ़नी है तब हम डील करेंगे। अभी इसकी कोलोइडल के जो मेन सिंपल प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस हो गई हैं। अभी यहाँ पे आपकी टर्म्स हैं कि टिंडल इफेक्ट, ब्रोनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन, उनके साथ जनरली हमें डील करना है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, बिकॉज वो आपको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टिंडल इफेक्ट को, ब्रोनियन मूवमेंट को। फर्दर हम कोलोइडल की क्लासिफिकेशन भी आगे चेक करेंगे, देखेंगे। आई होप समझ आया होगा, थैंक यू।